सो दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैक्स मोंटी में पैसे बनाए जा सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। ये आई नो, अगर आप एफिलिएट मार्केटर तो आप बोल रहे हो क्या इडियट टाइप का बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्त मैं नहीं बोल सकता यार। बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं जो आ रहे हैं, वो ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आपको सारी चीज़ें जाननी है मैक्स मोंटी के बारे में कि आप कैसे प्रमोट कर सकते हो और क्या क्या कैसे कर सकते हो, तो इस वीडियो में बने रहना और इस वीडियो को जरूर देखना। और प्लीज़ यार शेयर करो अलग अलग ग्रुप्स में, इतना सारा वैल्यू दे रहा हूँ मैं, लेकिन आप एक काम नहीं कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड शेयर। गो एंड शेयर माय फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले मैक्स मोंटी के बारे में। सो सबसे पहला क्वेश्चन है लोगों का कि मैक्स मोंटी एक लेजिट नेटवर्क है कि नहीं, तो गाइस मैं बोलूंगा गो एंड गूगल एंड नो आंसर, गो एंड गूगल। सेकंड, मैक्स मोंटी एक एफिलिएट मार्केटिंग है, एक एफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क है, सो हम कैसे सेल जनरेट करें, ये एक बंदे का क्वेश्चन था, पियो ऐसे ही उसने पूछा था। सो आपका आंसर ये है मेरे दोस्त कि मैक्स मोंटी एक CPA नेटवर्क है, ना कि एक प्रोडक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसमें ऑप्शंस रहते हैं कि आप प्रोडक्ट को सेल कराओगे तो आपको कमीशन मिलेगा, लेकिन दैट इज अ CPA मार्केटिंग, मतलब कॉस्ट पर लीड, मतलब आप बस किसी को ईमेल सबमिट करवाओगे तो उसके आपको पैसे मिलेंगे। थर्ड, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन वो ये है कि मैं पेड प्रमोशन करूँ कि मैं फ्री के प्रमोशन करूँ। तो सबसे पहला और सबसे बड़ी दुविधा आज मैं ख़त्म कर देता हूँ लोगों की, दैट इज़ कॉल्ड पेड मार्केटिंग, कि पैसे लगाएं या नहीं लगाएं एफिलिएट में। तो मैं बता दूँ, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में आओ तो कम से कम 10,000 रुपये लेके आओ। ठीक है, अगर आप किसी नेटवर्क के साथ करने जा रहे हो एफिलिएट मार्केटिंग, किसी प्रोडक्ट के साथ नहीं, बिकॉज मैं एक प्रोडक्ट के साथ एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड ब्यूल्डरल, जो हमें पैसिव इनकम भी दे रहा है। उसको ज़्यादा जानना है तो नीचे लिंक है, उसको क्लिक करके देखो कि पैसिव इनकम बिना काम किए कैसे अर्न कर सकते हो, वो तो उसकी बात हो गई। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि नेटवर्क के साथ क्यों 10,000 रुपये, मैंने कहा सबसे पहले कभी भी कुछ भी वीडियो देखो तो उसमें क्यों पूछा करो। ठीक है, क्यों जब पूछोगे तो सॉल्व होते होंगी आपके दिमाग की उपज, और जब कंफ्यूजन सॉल्व होगी तो आप बेटर होते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे मेरे दोस्त। तो क्यों क्यों क्यों, इसलिए गाइस क्योंकि जब आप किसी नेटवर्क पे आते हो तो वहाँ आपको लैंडिंग पेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लैंडिंग पेज के बाद आपको पेड एड्स चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी नेटवर्क के साथ, कोई भी नेटवर्क वर्ल्ड में, कोई भी नेटवर्क हो, चाहे वो मैक्स मोंटी हो और आपका JVU हो या क्लिक बैंक हो, कोई भी नेटवर्क, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो आपको पेड एड रन करना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर मैं फोर्स दे के बोलूँ, अगर आप CPA मार्केटिंग करते हो तो वहाँ एड रन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको कुछ भी रेवेन्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि हर पर ली मतलब पर लीड का ना $1 से भी कम मिलता है पैसा, $1 से भी कम, तो समझ लो कितना कम पैसा है वो। आपका जितना एफर्ट लगाओगे उतना पैसा नहीं आएगा, तो मैं नहीं चाहता कि आपका एफर्ट बेकार जाए मेरे दोस्त। तो मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको समझो, समझ रहे हो, मैं मतलब यहाँ फालतू का टाइम पास करने नहीं है, मैं आपको कुछ बताने आया हूँ, मैं आपको वैल्यू देने आया हूँ। मेरे को 50 चीज़ें करने की दिन भर में, 50 चीज़ें, टाइम कम पड़ पाता है, कम पड़ जाता है, आपको पता है मैं अपने लोगों को टाइम नहीं दे पाता, बिकॉज आई एम फुल ऑन बिजी इन ऑनलाइन मार्केटिंग, समझ लो। तो यहाँ मैं जो आपको वैल्यू दे रहा हूँ वो पूरी वैल्यूएबल है, समझ लो, इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा आई थिंक, और बार बार तो बिल्कुल नहीं। सो दोस्त, 10,000 रुपये कम से कम आपको एफिलिएट मार्केटिंग या CPA मार्केटिंग करने के लिए चाहिए। और जो बोल रहे हैं कि हम बिना पेड एड्स के कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऑफकोर्स यू कैन डू, बट जितना एफर्ट लगाओगे उतना पैसा नहीं आएगा, सो नहीं कर सकते। अब लैंडिंग पेज का भी आज क्लियर ही कर दे रहा हूँ। लैंडिंग पेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो सोशल मीडिया है लाइक फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ये एफिलिएट लिंक अलाउ नहीं करता है, ये आपको बैन कर देगा, थोड़े दिन बाद आपको बैन करेगा, अगर एक बार कर भी दिया तो, बहुत बार नहीं करता है, लेकिन अगर कर दिया कोई प्रोडक्ट्स का तो थोड़े दिन बाद आपको बैन करना स्टार्ट कर देगा। आप चेक कर सकते हो, कोई भी JVU का प्रोडक्ट उठा के उसका एफिलिएट डालो, वहाँ आपको कट कर देगा, आपको डालने ही नहीं देगा। ठीक है, सो अगर डालने भी दिया तो आपको बैन कर देगा। तो आई थिंक ये जो 3 बड़े क्वेश्चन है वो आज सॉल्व हो गए। चौथा क्वेश्चन ये मैंने लिख के रखा है कि, तो चौथा क्वेश्चन ये है कि
लोग बोल रहे हैं कि मैक्स बॉन्टी को करना सही है या नहीं, और कितने पैसे हम अर्न कर सकते हैं, और अगर हम पैसे लगाते हैं तो कितने पैसे अर्न करेंगे, राइट? ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, और मुझे लगा कई सारे लोगों को होगा जो मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझसे नहीं पूछ पा रहे होंगे, उनका भी ये क्वेश्चन होगा, ठीक है? सो दोस्त मैं बता दूं, ये डिपेंड करता है आप पे, प्योर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना एड पे स्पेंड करते हो, ठीक है? अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा सीपीए मार्केटिंग नहीं करता, मैं एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करता हूं, लेकिन सीपीए मार्केटिंग में उतना ज़्यादा नहीं करता। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो $100 पर डे बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन उसके लिए आपको, अगर आप एक नॉर्मल एड चलाने वाले बंदे हो फेसबुक पे, ठीक है, सो आपको कम से कम $50 कॉस्ट पड़ेगा $100 बनाने के लिए। अब समझो, आधा मतलब अगर दोगे तो आधा बनेगा, मतलब 50% प्रॉफिट, ठीक है? अगर आप 4000 से 3500 रुपये लगा रहे हो तो आपको 7000 रुपये मिलेगा, लेकिन आधा, ठीक है? और अगर आप प्रो लेवल के एड प्लेयर हो, प्रो लेवल के एड प्लेयर हो, तो आप $30 खर्च करके $100 बना लोगे, मतलब 60-70% आप निकाल सकते हो रेवेन्यू, ठीक है? आई थिंक आज सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई बातें हैं, नीचे कमेंट करो, बहुत ज़्यादा कमेंट करो, हर चीज़ का आंसर दूंगा आपको, और तब तक दूंगा जब तक ये चैनल रहेगा, जब तक मैं रहूँगा, और जब तक हम ये वीडियोस बनाते रहेंगे तब तक दूंगा। लेकिन मैं आपके जीवन में वैल्यू ऐड करके ही मरूंगा, वैल्यू ऐड करके ही मरूंगा। काम करो, एक्शन लो, दिस इज टाइम टू अर्न मनी, डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड फोकस एंड अर्न, मेक योर ओन स्ट्रेटजी एंड वर्क वर्क वर्क। जितना काम करोगे उतनी चीजें समझ में आएंगी, जीतना स्टार्ट हो जाएगा। गो एंड वर्क। See you in next video. Bye bye. Video अच्छी लगी हुई तो like करना, comment करना, share करना. Bye bye.